IPC 354 के बारे में और बताएंगे कि IPC 354 किस तरह से महिला पर भी लागू हो सकता है, क्योंकि आज तक आपने सुना होगा कि अधिकतर महिलाएं ही पुरुष के ऊपर IPC 354 लगाती है, लेकिन इस जजमेंट ने लोगों की सोच बदल दी है, क्योंकि बताया है और जजमेंट दिया भी है, जिस जजमेंट आया है ये 22 नवंबर 2022 में का ये जजमेंट है, और इसमें अंडर आईपीसी 354 में महिला को जेल भेजा गया है, यानी कि महिला को सजा हुई है। पूरी जानकारी आपको देंगे, क्या केस था ये भी बताएंगे, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अब आपको मैं पहले बता देती हूँ कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपके लिए नए नए जजमेंट लाने में, लेकिन फिर भी आप इसको ना तो शेयर कर रहे हैं ना तो ज्यादा सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं और देते रहते हैं। यहाँ पे एक बात ये क्लियर कर देती हूँ कि आईपीसी 354 के अंदर, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई महिला भी महिला के ऊपर अत्याचार करती है, उसके कपड़े वपड़े फाड़ देती है, लड़ाई करती है, और इस अवस्था में उसके जो अस्त व्यस्त हो जाते हैं कपड़े, या फिर वो परेशान हो जाती है क्योंकि मार पिटाई चल रही है और ऐसा कुछ सीन बन जाता है, तो वो महिला जिसने ये कृत्य किया है वो भी जो है आईपीसी 354 के अंदर दोषी मानी जाएगी। तो इस मामले में भी कोर्ट ने ये कहा है कि महिला को महिला की लज्जा भंग करने के लिए दोषी माना जा सकता है। इसमें कहा गया है, ये जो केस है इसमें कहा गया है कि आईपीसी 354 यौन अपराध नहीं बल्कि आपराधिक बल और आक्रमण के अंतर्गत आता है, जिसमें कि महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से आक्रमण या आपराधिक बल या अन्य सामग्री प्रयोग की गई हो। यहाँ पे अपोजिटिंग काउंसिल ने कहा कि ये जो है ये दोनों ही महिलाएं हैं और इसमें शील भंग करने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए आईपीसी 354 महिला पर नहीं बनता है। पर कोर्ट ने इन सभी दलीलों को दरकिनार किया और महिला को आईपीसी 354 के अंतर्गत जेल की सजा सुनाई। तो आपको समझ में आ गया होगा, आज के बाद ये ध्यान रखिए कि आईपीसी 354 सिर्फ पुरुषों के ऊपर भी नहीं लागू होगा, महिलाओं पर भी लागू होगा, क्योंकि सही बात है, महिला भी महिला को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और जो लेडीज, कई बार होता है कि ससुराल में विवाद हो जाता है, लेडीज घर छोड़ के चली जाती है, उसके बाद जो 498 और डीवी की वो FIR डालती है उसमें भी ये शामिल कर देती है, चाहे वो पुरुष ने उसको कुछ किया हो या ना किया हो। तो ध्यान रखिएगा, सास और ननंद भी ये केस डाल सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सास और ननंद बहू को परेशान करती है, बहू भी कई बार सास और ननंद को परेशान करती है। तो ये सभी औरतों के लिए ध्यान देने योग्य बात है कि आज औरत भी औरत के ऊपर आईपीसी 354 के अंतर्गत केस डाल सकती है, FIR करवा सकती है। फिर भी अगर कोई आपकी जानकारी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी जितनी भी लीगल प्रॉब्लम्स है उनका शॉर्ट आउट करने में, सॉल्यूशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी लीगल समस्याओं का समाधान दे सके। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। जय।